भारत रत्न, भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, परंतु 1966 में यह मरणोपरांत भी दिया जाता था जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। जो भारत रत्न पुरस्कार होता है इसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? यह 2 जनवरी 1954 में दिया गया था। 2 जनवरी 1954 भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? ये भारत रत्न है, उसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? 0 रुपये। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया सीवी रमन को। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? सीवी रमन 1954 में। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? सफ़ेद रंग के। भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? 2। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्त महिला बनी है। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को। 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में भारत रत्न पाने वाले विदेशी 1990 में भारत रत्न पाने वाले पहले दूसरे विदेशी कौन हैं? नेल्सन मंडेला। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन बनी? अरुणा आसफ अली। 1997 में
2019 में भारत रत्न से किन को सम्मानित किया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, मरणोपरांत नानाजी देशमुख को। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन है? JRD टाटा। JRD टाटा का नाम जहांगीर रतनजीता दादा भोई टाटा। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति हैं। 1992 में इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न मरणोपरांत देने की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। किस वर्ष में दिए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? 2011 के अनुसार। भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? अलीगढ़, पश्चिम बंगाल में। भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? सूर्य की। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।